मौजी, आप हमारे दोस्त को गलत समझ रही हैं। आप आंदोलन में एक बार चलकर तो देखिए। बुरा नहीं मानना बेटा, लेकिन ये सब तो पूछना ही पड़ता है कि आंदोलन का है, इसका मुद्दा का है, अरे नेता कौन है? नेता का तो ये है मौसी कि लगे तो बहुत सारे हैं, अब कोई ना कोई तो बनिए जाएगा। है तो क्या आंदोलन में कोई एक नेता नहीं है? नहीं नहीं मौसी, मैंने ऐसा कहाँ कहा, नेता तो है, बस नाम नहीं ले सकते क्योंकि बाकी लोग बुरा मान जाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारा दोस्त है और नेता की रेस में सबको धकिया के आगे निकल गया है। अब तो आलम ऐसा है कि लाइट्स, कैमरा, एक्शन सब उसी के पीछे भागे हैं। सबको पीछे छोड़ दिया? लाइट, कैमरा, एक्शन सब उसके पीछे है? तो क्या राजनीति का धुरंधर है तुम? अरे ना 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 मौसी, हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं, वो तो खुद ऐसा बोलता है कि वो एक नॉन पॉलिटिशियन है। लेकिन बेटा, हम तो सुने हैं कि बड़ा बड़ा चाल चलता है, तो हुआ ना वो पॉलिटिशियन? अरे ना मौसी, दू गो चुनाव लड़ लेने से कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना बन जाता है। वैसे भी उसमें भी तो हारिए गया था। है? तो क्या वो चुनाव लड़ता है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी, चुनाव तो आजकल बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, और वैसे भी एक बार सफल हो जाए फिर किसी को हराने का बात बोलना बंद करके खुद को जिताने वाला बात बोलना शुरू कर देगा। तो क्या किसी को हराने का बात बोलता है? अब क्या बताएं मौसी, आंदोलन अगर चलाना है तो किसी ना किसी को किसी से हराने का बात तो करना ना पड़ेगा। हमारे नेता दोस्त का क्या दोष, आप ही बताइए। एक बार अपना मकसद में कामयाब हो गया तो फिर राजनीति राजनीति भी अपना छोड़ देगा। मुझ बुढ़िया को समझाते हो बेटा, ये राजनीति का आदत किसी का छूटा है आज तक? अरे नहीं नहीं मौसी, आप तो फिर हमारे दोस्त को गलत समझ ली। अरे वो तो इतना सीधा है, इतना गाऊ आदमी है, इतना भोला है कि मत पूछिए। हाँ तो फिर जाओ, हम नहीं पूछेंगे। अरे नहीं नहीं मौसी, पूछिए पूछिए, काहे नहीं पूछेगा, वैसे भी जवाब तो सबका देता है। जवाब वो सबका देता है, लेकिन हम तो सुने थे कि समझौता के लिए बातचीत करने गया था तो चुप्पी साध लिया था है? और इसी के वजह से बातें आगे नहीं बढ़ा। आप भी मौसी, आपको क्या बताएं, अगर बात आगे बढ़ जाती तो आंदोलन इतना आगे बढ़ता का, आंदोलन तो वहीं ना रुक जाता। और जब आंदोलन वहीं रुक जाता तो बेचारे ये टीवी वाले ये किससे सवाल जवाब करते, ये न्यूज़पेपर वाले किसका पिक्चर छापते, बेचारा ये सोशल मीडिया इस पे क्या ट्रेंड हो रहा होता, और तो और ये चैनल वाले ये क्या खबर लाते बेचारे। क्या बताएं मौसी, सबका भला देखना ना पड़ता है। अब लोकतंत्र में अगर आंदोलन ना हो तो कैसा लोकतंत्र? लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए आंदोलन का होना बहुत जरूरी था, और वैसे भी अब तो बातचीत करने के लिए भी वो तैयार है। बेटा, हम तो ये भी सुने हैं कि वो बक्कल उतारने को तैयार था। अरे वो तो दूसरा का ना मौसी, हमारा दोस्त तो पैजामा पहनता है और उसी का नारा बांधता है। आप खामखा हमारे दोस्त पे गलत इंजाम लगा रही हैं। वैसे सोचना ही है तो ये सोचिए ना कि हमारा समाज के लिए कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है हमारा दोस्त। सिर्फ समाज के लिए? हम तो सुने हैं कि... अरे तो मौसी, ये भी तो समाज का ना अंदर आता है, समाज के हट के थोड़ी है ये। और जब समाज का भला होगा तो इसका भला होना कौन सी बुरी बात है, है? एक बात तो है मौसी, हमारा दोस्त दिल का बहुत साफ है और सबको सब कुछ को एक के आंख से देखता है। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले भीड़ में गाड़ी चढ़ गई थी तो उसने उसे देख लिया। लेकिन बेटा, हम तो यही सुने हैं कि भीड़ में कुछ लोग वो क्या बोलते हैं वो ब्लीचिंग वो किया था, तो उसका आलोचना नहीं करता तुम्हारा दोस्त? क्या बताए मौसी आपको, अब आपको अभी ना बताए, वो एक आंख से देखता है। जब एक आंख से देखता है तो हो सकता है कि जिस समय ये घटना घटित हो रही हो वो दूसरे आंख की तरफ हो रही हो जो कि बंद थी,
और जब आंखें बंद थी तो दिखती कैसे, और जब देखी ही नहीं तो बेचारा आलोचना किसका करता। हाँ बेटा, अब इतना कुछ बता दिए हो तो ये भी बता दो कि आंदोलन का मांग का है। आंदोलन का मांग है इनकलाब जिंदाबाद और कानून वापस लो। तुम्हारा एक गुणवान दोस्त ये नहीं बताया कि कानून में कमी का है, है? समस्या किससे है? बस पता चलते ही वो मुझे और मैं आपको बता दूंगा। वाह बेटा, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, राजनीति ऊ कर रहा है, है? महत्वाकांक्षा उसकी प्रबल है, अफसर का चश्मा ऊ लगाया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से उसके लिए बस तारीफ ही निकलती है। अब का बताएं मौसी, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है,